दिस इज डॉक्टर गुंजन विश्वकर्मा, वेलकम टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो रीडिंग पर जाने से पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आपको मेरे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले बिना चूके। YouTube पर होने वाली मेरी सभी रीडिंग्स होती हैं जनरल रीडिंग्स, इसलिए आपको रेजोनेट कर सकती हैं या नहीं रेजोनेट कर सकती। चेक योर सन मून राइजिंग एंड वीनस फॉर माय रीडिंग्स। अपनी चंद्र राशि, सूर्य राशि, लग्न राशि या फिर शुक्र राशि से आप मेरी रीडिंग्स को देख सकते हैं। इस रीडिंग में हम बात करेंगे पाइसीज मीन राशि वाले लोगों के लिए दिसंबर 2020 में, यानी 2020 की आखिरी रीडिंग, फाइनल एनर्जीज क्या निकल के आती है पाइसीज पीपल आप लोगों के लिए, साल भर की एनर्जीज का लेखा जोखा, फाइनल रिजल्ट ऑफ 2020, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ। लेट मी चेक। टैरो से हम बाद में चेक करेंगे, लेट्स चेक ओरेकल कार्ड्स फर्स्ट। वन कार्ड फॉर पाइसीज पीपल प्लीज, वन कार्ड फॉर पाइसीज पीपल। What energies are there around Pisces people in general? Oh my God, we have heavenly messages. Pisces people, ऐसा हो सकता है कि आपने इस साल 2020 में अपने कुछ खास करीबी near and dear लोगों को खोया हो, या उनके साथ आपका separation हुआ हो, बीमार भी आप रहे हों, स्वास्थ्य आपका या आपके निकटतम लोगों का स्वास्थ्य इस समय में खराब रहा हो सकता है। दिसंबर में भी संभावना है कि आपके कुछ नियर एंड डियर लोगों की तरफ से कोई बैड न्यूज़ आपको सुनने को मिल सकती है। नॉट फॉर ऑल पाइसिस ऑब्वियसली, ऐसा भी पॉसिबल है कि आपके एंसिस्टर्स आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हों और आपको अपने एंसिस्टर्स की तरफ से ड्रीम्स के थ्रू या विजन्स के थ्रू या इंट्यूशन के थ्रू कोई मैसेजेस आपकी दिशा में आने की कोशिश कर रहे हैं पाइसिस पीपल। ऐसा भी पॉसिबल है कि 2020 पूरे 2020 के दौरान या अभी दिसंबर 2020 में आपको अपनी फैमिली की तरफ से कोई धोखा मिल सकता है, या लोग आपकी फैमिली के या आपके फ्रेंड्स जिनको आप अपना नियर समझते हो, डियर समझते हो, वो लोग आपको चीट करने की कोशिश करें, आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करें, या किसी तरह से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें, इसकी मुझे यहाँ पर संभावना नज़र आ रही है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है मीन राशि के लोगों के लिए। कॉशन है इस कार्ड में एक्चुअली आप लोगों के लिए। तो अगर आप डील करने जा रहे हैं फैमिली में ही किसी तरह का आप डील करने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा, या मित्रों के साथ में अगर आप डील करने जा रहे हैं, तो आँख मीच कर आप लोगों पर विश्वास ना करें, ऐसा आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस आ रहा है। हो सकता है कि फाइनेंशियल मैटर्स में भी कोई डिस्प्यूट, वाद विवाद पेमेंट के मामले में, फाइनेंशियल इश्यूज़ के ऊपर परिवार में या करियर प्लेस पर आपका कुछ डिस्प्यूट हो जाए लोगों के साथ में, तो या फिर आपके अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ यानी आपके लाइफ पार्टनर के साथ, आपके स्पाउस के साथ आपका झगड़ा हो सकता है, सेपरेशन आपका उनके साथ, शॉर्ट टर्म सेपरेशन भी आपका उनके साथ, या लॉन्ग टाइम के लिए आपका उनके साथ सेपरेशन हो सकता है। वर्क प्लेस पर या काम आपके बनते बनते काम बिगड़ जाए, डीले हो उनके अंदर, या तो पूरे साल आपके साथ ऐसा हुआ है या दिसंबर में अभी इस समय में ऐसा आपके साथ में हो सकता है। हेल्थ इशू भी यहाँ पर, जैसा मैंने बोला आपको और आपके फैमिली में किसी को हेल्थ इशू जैसी इस तरह की प्रॉब्लम्स भी आपकी हो सकती हैं, थोड़ा सा सावधान आपको रहने की ज़रूरत है। अभी आखिर दिसंबर में आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है मीन राशि के लोगों के लिए। देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या कहना चाहता है। स्पिरिचुअल हीलिंग करने में, मेडिटेशंस करने में, मंत्रा चैंट करने में, शांति बनाए रखने में, मेंटल पीस बनाए रखने में अपना वक्त गुजारिए पाइसिस पीपल, तो आपके लिए ज़्यादा ठीक रहेगा दिसंबर का महीना 2020। वन कार्ड फॉर पाइसिस पीपल। बैलेंस, सी
हाँ कुछ ऐसी घटना कुछ ऐसी हो सकता है जो आपका बैलेंस बिगाड़ने की कोशिश करे, लोग आपका बैलेंस बिगाड़ने की कोशिश करें, फाइनेंशियल मैटर्स में आपका बैलेंस बिगड़ जाए, या मेंटली आप परेशान हो, हेल्थ वाइज आपका बैलेंस बिगड़ सकता है। अभी ये कुछ ये कार्ड थोड़ी सी देर पहले आप ही के जैसे दूसरे वाटर साइन कैंसर की रीडिंग में भी आया था, तो बैलेंस बना के रखने की आप कोशिश करें, ऐसा आपके लिए गाइडेंस आ रहा है। खास तौर से लीगल मैटर्स में, फाइनेंशियल मैटर्स में सावधान रहने की आपको ज़रूरत है। कोई लोग आपसे गलत सिग्नेचर ना ले लें, ठीक है, किसी तरह से आपके साथ फ्रॉड ना हो जाए, जमीन जायदाद के मामले में, पैसों के मामले में, आपके साथ में कोई धोखाधड़ी ना करे, कोई आपके खिलाफ झूठी गवाही दे, झूठे बयान देना, इस तरह की कोई घटनाएं अगर आपके साथ होने की संभावना है, तो आप पहले ही संभल कर रहिए कि लीगल मैटर्स की बात हो तो आप अच्छे एडवाइज़र की सलाह लीजिए, फाइनेंशियल मैटर की बात हो तो किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से आप मिल लीजिए, आपके जो बैंक बैंक वगैरह के जो डिपॉजिट्स हैं, एफडीज़ हैं, इंश्योरेंसेस के पेपर्स हैं, उनको एक बार चेक कर लीजिए कि आपने कहीं कोई उसकी किस्त वगैरह आपने मिस तो नहीं कर दी है, आपका कोई पॉलिसी कहीं कॉलेप्स होने तो नहीं वाली है। एक बार आप ना अपने डॉक्यूमेंट्स को फिर से चेक कर लीजिए, जो आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो आपके ट्रैवल वगैरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो आपके सिटीजनशिप वगैरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक बार आप अपने घर के डॉक्यूमेंट्स को, बैंक अकाउंट डिटेल्स को, इंश्योरेंस और पॉलिसी पेपर्स को आप चेक कर लीजिए, कहीं ना कहीं आपको किसी तरह का फाइनेंशियल नुकसान ना उठाना पड़ जाए, ये आप अच्छे से आप चेक करके देख लीजिए। लॉयल हार्ट, जैसा कि मैंने आपको बोला है कि लॉयल्टी, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जिन लोगों को आप पूरा भरोसा करते हो, आपको लगता है कि वो आपकी लाइफ में पूरी तरह से लॉयल हैं, आँख मीच कर भरोसा मत कीजिए। आपके भरोसे का खंडन, आपके भरोसे के ऊपर अटैक होने की बहुत संभावना है। आई डोंट नो वाई लगातार इसी तरह के कार्ड आ रहे हैं। मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर आप पहले से सावधान हो जाएंगे, अगर आप पहले से सचेत हो जाएंगे, तो कोई बड़ी बनती घटना जो होगी वो नहीं बन पाएगी। आपकी सावधानी आपको किसी बड़े धोखे से, किसी बड़े चीटिंग से, फ्रॉड से, नुकसान से आपको बचा सकती है, ऐसा आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस आ रहा है। किसी के साथ कोई बड़ी रकम का सौदा कर रहे हो, बिना लिखा पढ़ी के किसी किसी तरह का आप आपस में बातचीत कर रहे हो, बिना किसी एविडेंस के आप कोई बड़ी डील ब्रेक कर रहे हो, तो आपको चेक करने की ज़रूरत है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, हाँ, बहुत ही सावधानी से, बहुत ही धीरे से, बहुत ही समझदारी के साथ आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है। आँख मीच कर विश्वास करने की बजाय समझदारी से डिसीजन लीजिए, ऐसा आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस आ रहा है। हो सकता है कि इसमें आपको डीले हो जाए, आपको देर हो जाए, आपका काम करने का स्पीड कम हो जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपके लिए फायदेमंद होगा कि आप सभी डॉक्यूमेंट्स को चेक करके ही आप, बजाय इमोशन बेस्ड डिसीजन लेने के, आपको लॉजिक बेस्ड डिसीजंस लेने की आपको इस समय में जरूरत है। ओके, ओ माय गॉड, सो मेनी कार्ड्स। द वर्ल्ड कार्ड, बिकॉज सम मेजर चेंजेस आर गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ। मुझे लगता है आप किसी व्यक्ति के साथ में किसी तरह का कॉलिब्रेशन करना चाह रहे हैं, किसी तरह की न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं, मनी का लेन देन करना चाह रहे हैं, या फिर किसी तरह का डील ब्रेक करना चाह रहे हैं, या किसी किसी तरह का प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाह रहे हैं आप नया, तो थोड़ा आपको सावधानी रखकर डिसीजंस, यस डिसीजन कार्ड इज हियर बॉटम ऑफ द डेक पर, आपको अपना डिसीजंस बहुत सोच समझकर, बहुत ही सावधानी के साथ में लेने की ज़रूरत है। सारे एस्पेक्ट्स को चेक करके डिसीजन लीजिए, ऐसा आपके लिए कार्ड आ रहा है। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, मामला खटाई में पड़ सकता है, वाद विवाद हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, और आपको जिस चीज़ की उम्मीद भी ना हो, मतलब आपको ऐसा लगता हो कि नहीं ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता मेरे साथ, और ऐसे लोग जिन पर आपको पूरा पूरा भरोसा है कि ये मेरे साथ कभी गलत कर ही नहीं सकते, ऐसे लोग आपको बुरी तरीके से किसी न किसी तरह के
षड्यंत्र में उलझा सकते हैं, फंसा सकते हैं, परेशान कर सकते हैं। तो आपको देख लीजिए, हो सकता है ये रीडिंग इस बार सब लोगों के लिए ना हो, लेकिन कुछ पाइसिस पीपल अगर किसी तरह की डील कर रहे हैं, आंख बंद करके विश्वास कर रहे हैं, तो आपको एक बार फिर से उस डील को, पेपर्स को फिर से चेक करके अपने डिसीजन जजमेंट का कार्ड है, निर्णय का कार्ड है। बहुत सोच समझ कर आपको डिसीजन लेने की इस समय में आवश्यकता है। ईश्वर को हाजिर नाजिर जानकर, साक्षी जानकर, समझदारी के साथ में, बिना वाद विवाद में पड़े आप डिसीजंस लेने की कोशिश कीजिए। ऐसा बिल्कुल क्लियर कट गाइडेंस मीन राशि वाले लोगों के लिए आया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आप मेरी रीडिंग से रेजोनेट करते हैं तो मेरे साथ बुक करवाइए एक पर्सनल सेशन टैरो गाइडेंस पाने के लिए। आपको रीडिंग के साथ दिए जाते हैं माइक्रो हीलिंग कोर्स, यानी उसमें होते हैं गाइडेड मेडिटेशन, साउंड थेरेपीज, मंत्र थेरेपीज, और आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स और आपके ब्लॉकेजेस के अकॉर्डिंग आपको प्रॉपर गाइडेंस दिया जाता है कि कैसे आप उनको हील करके अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिवली आगे बढ़ सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिए मुझे 7424830300 पर आज ही।